गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर थर्ड सब्जेक्ट आपका विज्ञान है और आपकी कक्षा है छठी प्यारे बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे खुश होंगे और अच्छे से अपनी होंगे तो मुझसे नहीं पढ़ा होगा सिक्स से टेंथ तक मैं सारे सब्जेक्ट्स की वर्कशीट कराती हूँ अगर अभी अग तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपको बताए आपके नए विद्यालय में आपका स्वागत है लेकिन हम सबने स्वागत के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी आप लोगों की आप लोगों को भी, भी बहुत मजा आता होगा ना नई नई किताबें मिलेंगी नई नई अब हम बड़ी क्लास में जाएंगे नई किताबों का मुझे बड़ा शौक होता था तो आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि नई नई किताबें मिलेंगी लेकिन कोविड 19 के कारण संभव नहीं हो पाया हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अलग अलग तरह की आप लोगों से एक्टिविटी कराते रहेंगे और आपको विद्यालय की कमी को महसूस नहीं होने देंगे आइए इन गतिविधियों का आनंद लेते हैं तो जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उन दस चीजों की सूची बनाइए जो आपने अपने पहले विद्यालय में देखी थी और अब आपकी इस नए विद्यालय में नया विद्यालय कौन सा है नया विद्यालय आपका है ऑनलाइन एजुकेशन है ना में भी देखने को मिल सकती है और इन वस्तुओं का चित्र भी बनाना है तो साथ में आप चित्र बनाएंगे नाम में लिख देती हूँ तो बच्चा आप लोगों ने स्मार्ट बोर्ड देखा है स्मार्ट बोर्ड पहले कौन सा होता था पहले ब्लैक बोर्ड देखते थे आप है ना पहले ब्लैक बोर्ड देखते थे हम स्मार्ट बोर्ड को किसी भी कलर में चूज कर सकते हैं ठीक है अभी हम वर्कशीट से पढ़ रहे हैं है ना पहले हम किताबों से पढ़ते थे एनसीईआरटी की अभी हम मोबाइल का भी यूज कर रहे हैं पढ़ाई करने में तो हमारे नए स्कूल में मोबाइल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हम लोग डेस्क देखते थे पिछले स्कूल में ठीक है ना और अभी आप और भी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे आप लिख सकते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप डिजिटल पेन देखते हैं ठीक है डिजिटल पेन जो आप पूछते हो ना कि मैम आप लैपटॉप पे कैसे लिखते हैं डिजिटल पेन देखते हैं पहले आप किससे लिखते थे चौक से मैम किससे लिखती थी चौक से ठीक है ना अभी आपकी प्रिंटेड वर्कशीट आती है ओके एंड आप लोग लैपटॉप को भी देखते हैं लैपटॉप ऊपर नहीं लिखा है ना लैपटॉप से भी आप लोग पढ़ते हैं पेन टैब जो होता है जब टैप से हम लिखते हैं वो भी चीजें आप देखते हैं मैं आप लोगों को बार बार बताती रहती हूँ ठीक है और क्या क्या नई चीजें आपने पुराने स्कूल में देखी थी पुराने स्कूल में पेड़ दिखते थे आपको झूला झूलते थे आप तो वो चीजें अभी आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं है ना लेकिन आपकी गूगल मीट पे आपकी अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती रहती है ठीक है बच्चों तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अगर समझ नहीं आएगा तो मुझसे कमेंट करके पूछेंगे जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है एक कनेक्ट एक्टिविटी बनती है आप लोगों के नाम याद हो जाते हैं तो कमेंट जरूर किया करो मुझे और जैसे ही काम हो जाए तो बताया करो कि मैम हमारा काम हो गया हमने भेज दिया है ठीक है इस वीडियो को लाइक करना है और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका लगता है तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं थैंक यू अ नाइस डे मे गुड ब्लेस यू अच्छे से पढ़ाई करेंगे अ नाइस डे